नकोदर चौक के पास रविवार रात जमकर गुंडागर्दी देखने को मिली, जहां पर अनेजा क्लिनिक के पास आए कुछ हमलावरों ने बोतलें बरसाकर तोड़फोड़ भी की। इतना ही नहीं, बाहर खड़ी इलाका निवासी की कार के शीशे भी तोड़े गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और सीसीटीवी को भी खंगाल कर देख रही है। वो आई हूँ कि आधे घंटे के लिए लाइट कटती है। पिछली बार भी हम लोगों ने कंप्लेन किया था, एक बार पहले भी हो चुका है 3-4 महीने पहले। तो वही सेम टाइम सेम जगह ये लोग आते हैं, 5-6 2 बोरियां लेके आते हैं, 5-6 जने सारे ने रुमाल बांधा होता है, आता है एकाएक ईंट बरसाने लगते हैं। वही बोतलें बियर की बोतलें होते हैं, कोक के होते हैं, यही दो चीज़ें होती कारण नहीं चल कारण पता ही नहीं चलता क्या कारण है। आज क्या हो गया था, आज कोई क्या गाड़ियों का नुकसान भी हुआ? गाड़ियों के पहले इधर फेंकता है, उसके बाद गाड़ियों पे फेंक देता है, फिर निकल जाता है। डॉक्टर साहब के साथ क्या रंजिश की? कुछ नहीं पता। कौन सा हॉस्पिटल है ये? अनेजा स्किन केयर है। आप क्या लगते हो क्या काम करते? मेरे पापा यहाँ पे चौकीदारी करते हैं। पहले भी हो चुका हमला? हाँ, पहले भी हो चुका है। बंदे कहाँ के रहने वाले हम लोग? जो हमलावर कहाँ से आते हैं हमें क्या पता। आज क्या बरसाया उन्होंने? हमने ईट फेंकी है ऊपर से, जो बर्तन है वो होता बोतलें फेंकी, वापस वही बोतलें और वो ईट मेरे ऊपर फेंक रहा है। गालियाँ इतने खतरनाक दे रहे हैं। कितने लोग थे? 5-6 जने। किस पे थे वो? एक सरदार वो पैदल ही थे, एक सरदार का तो वो मुकोटा जो बांधा था वो उतर भी गया। एक के सिर पे लगा मेरे ईट, एक पे के पैर पे लगा, ये सामने ही मुकोटा उतरा। अगर कैमरा में सेव हुआ होगा तो ठीक है। किस तरफ भागे? इधर भागे, राइट साइड। क्या नाम क्या आपका? नीतीश। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ? ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਕਰਸ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ? 7-8 ਜਣੇ ਆ ਜੀ, 5-6 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, 5-6 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਗਏ? ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮਾਈਸਲ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਸੋਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ? 1142 ਜੀ, K10 ਅਲਟੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ? ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਰੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਟਾ ਰੋੜੇ ਚਲਾਏ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਤਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਬਾਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਏਰੀਆ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਉਹ ਸੀਸੀ ਕਵਰੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਜਸਵੇਲ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓਗੇ। ਕੋਈ ਪਛਾਣ 'ਚ ਆਏ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਕਿਦਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਬ ਪੋਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਸਰ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਪਿਛਲੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਲੱਗਦੀ? ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਕੋਦਰ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ? ਕੀ ਪਤਾ ਹਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਤੋੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? जलंधर से सुनील महिंद्रू की रिपोर्ट, लाइव भारत।